हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एंड टेक विद देव। क्या आप अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते? क्या आप हिंदी को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसके लिए फ्रेंड मैंने अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड किया है, जो बहुत ही अच्छा ऐप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाता हूँ और अपने मोबाइल में गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेता हूँ। गूगल ट्रांसलेट ओपन करने पर भाषा का ऑप्शन आएगा। भाषा के ऑप्शन में से हमको जिस भाषा में ट्रांसलेट करना है उसको चुन लेंगे। दोस्तों, इसमें बहुत सारी हिंदी भारतीय भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं भी हैं, उड़िया, तेलुगु, बंगाली। मैं हिंदी चूज कर लेता हूँ और फिर अंग्रेज़ी में टाइप करता हूँ। जो लेफ्ट कोना में होता है उस भाषा में टाइप करना होता है दोस्तों। हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी, फिर तीर के निशान को क्लिक करने से वो ट्रांसलेट हो जाता है और स्पीकर के निशान में बोल कर भी बताता है। और मैं दूसरा भी टाइप करता हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। इस ऐप में बोल कर ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों जो माइक का निशान है उसको एक बार क्लिक करना होता है। तो चलिए क्लिक कर लेता हूँ। हिंदी में बोलना है तो जो दोनों भाषाओं के बीच में तीर का निशान है उसको एक बार क्लिक करते हैं तो हिंदी लेफ्ट साइड आ जाएगा। फिर हम हिंदी में बोलकर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आई डू नॉट नो इंग्लिश। और फिर चेंज करने के बाद इंग्लिश में भी बोलता हूँ तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसी प्रकार इसमें कैमरा का ऑप्शन है जिसमें आप कोई भी बुक है, पेपर है, उसका फ़ोटो खींचकर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें कैमरा का ऑप्शन क्लिक करके ये जो एक पेपर पड़ा था उसमें से मैं एक फ़ोटो स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन का ऑप्शन में जाके फिर उसमें जो भी जो आया है बॉक्स में उसको जितना को हमको ट्रांसलेट करना उतना को ही सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे उसको तीर निशान को तो ट्रांसलेट हो जाता है। जैसे ये आ गया। इसी प्रकार और देखते हैं हम लोग, दूसरा न्यूज़पेपर ले लिया मैंने, ये इंग्लिश में कुछ लिखा है इसको मेरे को ट्रांसलेट करना है। स्कैन किया फिर इसमें से जितना सेलेक्ट किया उतना के ही ट्रांसलेट होगा। फिर ये तीर का निशान क्लिक करने पे ही ट्रांसलेट हो जाता है। फिर स्पीकर का निशान करने से बोल के भी बताता है, ये बोल के बता रहा है हिंदी में। तथ्यात्मक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है और भास्कर बिक्री प्रस्ताव के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक हिंदी वाक्य भी लेता हूँ अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए न्यूज़पेपर का। ये एक और स्कैन किया कैमरा में क्लिक करके और ये एक लाइन सेलेक्ट कर लिया और ये है प्रदेश में पहली बार जो है किसानों की जमीन, इसको ट्रांसलेट करके बता रहा है अंग्रेजी में। इस प्रकार आप हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, तेलुगु, उड़िया, कोई भी भाषा में जिसमें आप चाहें ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें अगली सुविधा है कन्वर्सेशन, जिसमें दो आदमी अलग अलग भाषा में बातचीत कर सकते हैं। जैसे हिंदी और अंग्रेजी सेलेक्ट है, तुम क्या कर रहे हो, तो अंग्रेजी में बोल कर बताएगा व्हाट आर यू डूइंग। फिर अंग्रेजी के क्लिक करोगे तो अंग्रेजी में को बोलना पड़ेगा और वो हिंदी में बताएगा। और ऑटो में सेलेक्ट करेंगे हम तो दोनों भाषा में कोई भी आप बोलो दोनों को अपना अपना ट्रांसलेट करके हिंदी को अंग्रेजी में, अंग्रेजी को हिंदी में बताएगा। ओके, बाय, सी यू। इसमें अगली सुविधा है ट्रांसक्राइब का, जिसमें एक भाषा में बोलेंगे तो रियल टाइम में और दूसरी भाषा में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते जाता है। जैसे कि मैं यहाँ हिंदी में बोल रहा हूँ, आयुष तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ व्हाट आर यू डूइंग आयुष लिख गया। वो बोलता है घोड़ा चला रहा हूँ, हॉर्स ड्राइविंग। इसी प्रकार आप हिंदी में बोलते रहोगे, इसमें अंग्रेजी में लिखाता रहेगा, अंग्रेजी में बोलते रहोगे तो हिंदी में लिखाता रहेगा। नेक्स्ट फीचर्स है इसमें हैंड राइटिंग का, इसमें आप टाइपिंग की जगह हाथ से भी लिख सकते हैं। जैसे बुक लिखा तो उसका इंग्लिश में ये हुआ था, फिर चेंज किया भाषा तो फिर बुक लिखा इंग्लिश में तो अब हिंदी में बताएगा उसका बुक मतलब पुस्तक, पुस्तक। इसी प्रकार और हाथ से और लिख सकते हो, दूसरा शब्द लिखता हूँ। जैसे कि मैं अब लिखता हूँ
BRIDGE, ब्रिज। ब्रिज मतलब ब्रिज। पुल। इसमें बहुत सारा फीचर्स है दोस्तों, जो बहुत ही फायदेमंद होगी आपके लिए। अब हिंदी में भी कुछ लिख लेते हैं, जैसे अब मैं हिंदी में लिखता हूँ हैंड राइटिंग में, खाना। फूड। खाना को हम अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो फूड। इसी प्रकार है आम। आम मतलब अंग्रेजी में मैंगो। तो इसी प्रकार का वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।